तो हाय हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ लाल बाग बोटानिकल गार्डन, जो कि बेंगलोर में है और लाल बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली इस्टाब्लिश हुआ था 1890 में, जो हैदर अली के द्वारा, और इसको अपने बेटे टीपू सुल्तान ने कंप्लीट किया था। तो ये बोटानिकल गार्डन बहुत ही अच्छा है, अगर आप अपना हॉलीडे मनाना चाहते हो, घूमना दोस्तों के साथ पसंद करते हो, तो यहाँ पे एक बार तो ज़रूर आना बनता है, क्योंकि ये जगह कुछ इस तरह का है, आप आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो से, मेट्रो का व्यू देख रहे हो। अभी हम जा रहे हैं ये मैजिस्टिक रोड पे, मैं जा रहा हूँ मैजिस्टिक से फिर दूसरी लालबाग के लिए, फिर मेट्रो स्टेशन पकड़ना है। तो ये देख सकते हैं मैजिस्टिक रोड का जो है मेट्रो स्टेशन का अंदर मेरा दोस्त और मैं वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग कितने लाइन से खड़े रहे। तो बेसिकली ये मेट्रो स्टेशन बहुत ही अच्छा है, अगर आप घूमना चाहते हैं बेंगलोर में आए हो, मेट्रो में नहीं घूमा तो क्या देखा। तो बेंगलोर का लोकेशन को घूमने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है मेट्रो स्टेशन में जाओ। ये देख सकते हो हम लोग पहुंच गए हैं लालबाग मेट्रो स्टेशन। ये भी इसी, ये जो साइड में जो दिख रहा है वो आपका लालबाग बोटानिकल गार्डन है। तो अभी मेरा दोस्त के साथ मैं जा रहा हूँ, तो चलते देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है मेट्रो स्टेशन का पूरा एरिया, कहाँ से कहाँ तक मेट्रो स्टेशन जाता है। तो आप जैसे देख सकते हो ये लोकेशन अभी लालबाग का है, और जो पूरा जितने भी बेंगलोर का मेन मेन सिटी बाकी थोड़ा सा दूर है, हम पहुँचने वाले हैं लालबाग। सुना चल जाएगा, ये हम पहुँच गए लालबाग बोटानिकल का आउटसाइड का एरिया है। ये अभी हम जा रहे हैं, ये देख सकते फ्रंट गेट के सामने है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, और देख सकते हो ट्रैफिक कितना है। मतलब दोपहर का 4 बजे तक हम पहुँच गए थे। तो मेरे दोस्त के साथ मैं जा रहा हूँ, ये मेरा फेस आप नहीं देख सकते क्योंकि मैं पीछे से शूटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे देखने। और एंट्री करते ही टाइम पे आपको खाने के लिए क्या क्या मिल सकता है, मतलब रो मैंगो सैलड और समोसा वगैरह सब कुछ मिलता है, जो कि आपको बेसिकली इवनिंग के टाइम पे ये बहुत काम आता है। मतलब ये देख सकते हो लालबाग बोटानिकल गार्डन का फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे कुछ ग्लास भेज रहे थे, जो कि जिसका प्राइस है सिर्फ 100 रुपीज़। और फोटो शूट करना चाहते हो वो दोस्तों लोगों के साथ है, तो चिल करने के लिए ये अच्छा है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट ओनली 30 रुपीज़ है पर एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए भी होता है, लेकिन जो मेरे को ज़्यादा पता नहीं, आई थिंक 5 साल के ज़्यादा बच्चों के लिए वो टिकट लेते हैं। तो लालबाग घूमने के लिए ये पूरा एरिया देख सकते हो क्या क्या है, किस लोकेशन में ये सभी लिखा है, कन्नड़ा में और इंग्लिश में भी लिखा है, तो आपको अच्छा से भी मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे क्या है। तो चलते हैं। तो स्टार्टिंग से भी देख सकते हो हर जगह सिर्फ लोग फोटो ही फोटो ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा जगह है, क्योंकि ऐसा ही आपको एक दिन तो घूमना आया चाहिए। कितना बड़ा बड़ा पेड़ है देख सकते हो, ये मेरा दोस्त है घूम रहा है, उसके साथ मैं भी वो वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग हुआ था वो जो वाटरफॉल है यहाँ पे, एक 2017 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे एक देख रहे हो वो एक बेटा, एक पापा अपने बेटा का फोटो ले रहा है, किस तरह से मजे से वो भाई मजा ही कर रहे हो भाई, मस्त क्रिएटिविटी तो मानना पड़ेगा भाई। सभी फैमिली जितने सभी आ रहे हैं, तो हम पहले लेफ्ट साइड से जाएंगे, उसके बाद पूरा कंप्लीट टूर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आगे आगे देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो उस पूरा वीडियो शूटिंग है मेरा सर Pixel 6 है, गूगल Pixel 6 का मोबाइल से किया हूँ। तो एंजॉय कर, तो कुछ देर चलने के बाद मेरा दोस्त यहाँ पे रुक गया है, वो उसको फ़ोटो लेना था, तो मैंने भी बोला हाँ ठीक है तू वेट, मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। लेकिन उसको पता नहीं चल रहा मैं कि बहुत सारा फ़ोटो की जगह उसका वीडियो बना रहा हूँ। वो सोच रहा मैं बहुत फ़ोटो ले रहा हूँ इसलिए हंस रहा है, वो पास में क्यों आ रहा है बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, मैं इस वीडियो ले रहा हूँ, उसको पता नहीं। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है देख सकते हैं, बहुत आगे स्टार्टिंग में घूम फिर के आके बैठ गए हैं, क्योंकि अभी बहुत जगह है, ये इतना बड़ा एरिया है कि आप जितना चाहो घूमो ख़त्म ही नहीं होगा। तो
तो चलते हैं। और दूसरी तरफ ये जो वाटर, ये फर्स्ट एरिया है एंट्री करने के टाइम पे, जो आर्टिफिशियल वाटर है ये बड़ा पेड़ तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा दिखने मिला है, क्योंकि ये बोटानिकल गार्डन है। तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स लोग फोटो ले रहे हैं, तो इस तरफ से हम जाएंगे। ये पूरा आपको जरासिक वर्ल्ड वाला फीलिंग आएगा, क्योंकि ये अंदर जितना कुछ हो पूरा जंगल है और बड़ा बड़ा पेड़ है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सभी नया तरह से डिज़ाइन किया है, पेड़ बहुत बहुत बड़ा लंबा है। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है जो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पूरा कंप्लीट वीडियो इस बोटानिकल गार्डन का हम दिखाएंगे। देख सकते बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है। तो सभी जितने भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ रहे हैं, हम लोग को देख के जल्दी चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है हम वीडियो बना रहे हैं, सच में तो हम वीडियो ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप फोटोशूट करना चाहते हो और आप ग्रुप में आए हो, तो ये लोकेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पे इसमें का जो डस्टबिन वगैरह हर जगह आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो जहाँ भी कोई वेस्टेज मटेरियल आपको यहाँ पर फेंकने का नहीं, डस्टबिन यूज़ कीजिए। तो पूरा एरिया जंगल है। ओ भाई, जंगल में कांड हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पता चल रहा है नॉइस बैकग्राउंड में कैसे आ रहा है, तो इसे डायरेक्ट जहाँ भी देखो बहुत सारे, मतलब गार्डन ही गार्डन है, इतना बड़ा गार्डन के ख़त्म ही नहीं होगा। ये सभी नया नया अभी स्टार्ट किया है, तो कटिंग हुआ है, बाद में ये वो पूरा डिज़ाइन करके। यहाँ पे जो फ्लावर शो होता है वो रिपब्लिक 26 मतलब जनवरी 26 रिपब्लिक डे और अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे की तरफ से वो होता है। साल में दो बार होता है फ्लावर शो, तो आपको आना चाहिए अगर कभी भी लोकेशन बेंगलोर में रहते तो। ये बहुत ही पास है, नागरभावी से सिर्फ 7 किलोमीटर के दूर में है। तो मैं जब भी आप आए बेंगलोर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेट्रो से आइए, क्योंकि मेट्रो का से आपको पूरा बेंगलोर का लोकेशन भी वो आपको अच्छे तरह से मिल सकता है। तो ये बीच में ये एक मंदिर भी है, जहाँ पे माना जाता है जो भी उसको दिल की गुजारिश होते वो सब कुछ फिल होता है। तो यहाँ पे मंदिर है, हमने भी पूजा किया था एक टाइम जब पहले आए थे। यहाँ पे देख सकते हो तो सिद्धि का मंदिर है और यहाँ पे देवी का भी मंदिर है। तो आगे का लोकेशन बहुत ही अच्छा है फोटो शूट करने के लिए, तो ये भी अच्छा है। पूरा एरिया तो पूरा फ़ोटो शूट करने के लिए भरपूर पड़ा है, तो आपको जितनी फ़ोटो खींचना है यहाँ पे आके आपके दिल की जो ख्वाहिश है पूरा कर सकते हैं। ये तो ऐसा जगह है। ये बहुत ही पुराना गार्डन है, क्योंकि 1890 में ये स्टार्ट हुआ हैदर अली के द्वारा, और उनका बेटा जो टीपू सुल्तान है उसे कंप्लीट किया था। तो उस टाइम से ये ऐसा है। तो 2017 में उसको थोड़ा डेकोरेट करके ये अच्छा से किया गया है। अभी कोरोना के बाद में बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं उतना क्या है, लेकिन जो भी गार्डन का जी वो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरह से वेल मेंटेन किया गया। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग चल के जा रहे हैं। अगर आप कुछ बड़े लोगों के साथ या बुजुर्ग के साथ आए थे, तो आपको घूमने के लिए और भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे देख सकते हो एक गाड़ी है, वहाँ पे आपको कुछ पेमेंट करके घूमना पड़ेगा। पूरा एरिया आपको लालबाग का वो घुमा लेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा चल के ही जाए, क्योंकि चल के जाने से बहुत कुछ जगह देख सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसा है जो वहाँ पे आप वो गाड़ी से नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी लालबाग आए तो चल के ही जाए, क्योंकि बहुत कुछ आपको देखने मिल सकता है, बहुत जगह आप घूम सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग सभी चल के जा रहे हैं, क्योंकि उतना लोकेशन का व्यू अच्छा है कि जो हर कोई अपना दिल लग जाता है।
तो यहाँ का कुछ फ्लावर का वो भी मैंने वीडियो लिया है। उतना तो अभी फ्लावर देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन जितना भी है वो अच्छा है। गेट पे आ जाऊं। आता है लालबाग का जो मेन एरिया है ग्लास हाउस, जो आप देख सकते हो यहाँ पे है। जहाँ पे ज़्यादातर फ़ोटो आप नेट में सर्च करो तो इस एरिया का ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये बहुत पुराना से बनाया गया था। तो इसको अभी मेंटेन करके रखा है, वो अभी नया डेकोरेट भी किया है। तो आपका एरिया पूरा देख सकते हो, यहाँ से मैं जा रहा था लेकिन उस तरफ का एरिया है, आप देख सकते हो। आगे देखते रहने के लिए चलते रहिए। तो वीडियो अगर आप तो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ग्लास हाउस बोलने का रीज़न भी है क्योंकि ये पूरा का जो ऊपर देख सकते हो पूरा का एरिया सिर्फ ग्लास से बना हुआ है। तो जहाँ पे जो लाइट वगैरह आता है तो वो रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छा होता है। उसका नीचे जाने के आपको अलाउ नहीं है, लेकिन आप बाहर से वो फ़ोटो वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ का एक खास बात ये बता दो, यहाँ का जो जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी खरीदते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्राइस MRP लिखा हुआ उससे ज़्यादा ही लेते हैं। एक मेरा दोस्त वो ख़रीदा, वो 30 रुपीज़ का ख़रीदा और मल मिल्क था, वो उसको 50 रुपीज़ ले लिया। तो वहाँ पे थोड़ा पूछ के खरीदेगा, क्योंकि विदाउट पूछ के अगर आप खरीदे तो वो ज़्यादा चार्जेस करते। तो ये जो लोकेशन है का इसका व्यू बहुत ही अच्छा आता, क्योंकि अगर आप अभी नवंबर का महीने चल रहा है इस टाइम पे आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेंगलोर में हर मौसम ठंड ठंड का ही रहता है। पार्क है Thank you.
करना पड़ेगा नहीं तो
ये कितने का है? ये सिर्फ छोटा सा 20 रुपया। मुँह खाए नहीं बेचे, खाओ। एक ही ये कितने में? 30 रुपये। अरे बादाम पानो का है? 30 रुपये। अच्छा है, YouTube में आएगा। थैंक यू। यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। विक्रम आगरा जा। ओह सॉरी। ओ यहाँ से स्टार्ट होता है बोटानिकल गार्डन का जो लेक साइड व्यू है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे मतलब विजिटर यहाँ पे आके घूम रहे हैं। तो हम लोग भी घूमने गए थे, तो वो ये पूरा एरिया बैक साइड देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। मतलब जितना आपको आँख भी नहीं पा सकता, इतना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो उस शहर के बीच में ऐसा व्यू मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग आपको आगे दिखाएंगे इसमें क्या क्या है।
पहले कुछ देर घूमने के बाद हमको ये मिला, ये डक जो पानी में खेल रहे हैं। तो खास करके ज़्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिलता पानी में, लेकिन ये लेक का व्यू अच्छा है। अब वहाँ उस साइड से जाकर आप फ़ोटो भी ले सकते हैं, लेकिन अंदर घुसना आपको परमिशन अभी नहीं है। बाद में बोट वगैरह होता है, लेकिन इस टाइम पे तो बोट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये था बोटानिकल गार्डन का पूरा कंप्लीट राउंड। तो यहाँ से हम चलते हैं, फिर आगे और एक वीडियो में मिलेंगे। तो जाने से पहले मैं आपको बताता रहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस फॉर इतना देर तक मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप जैसे कि देखते तो मैं पहले भी बता रहा था क्या क्या आपको देखने मिल जाता है। ये मैप है पूरा, तो जब भी एंट्री कीजिए ये मैप को फॉलो करके जाइए, तो ये मैप से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या देखना है और कब किस टाइम से देखना है। तो आपको जब भी जा रहे हैं मैं सजेस्ट करूँगा मॉर्निंग के टाइम पर नहीं जाए, दोपहर के टाइम पर जाएँ, क्योंकि शाम के वक्त ये बहुत ही अच्छा लगता है।